सत श्री अकाल साथियों। बुढ़ा होने ते एक दुकानदार रिटायरमेंट लेके दुकान अपने पुत्र नूं दे देंदा है। जिमीदार अपनी जमीन अपने पुत्र नूं दे देंदा है। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे नूं कोई नौकरी क्यों नहीं दे सकता। साथियों आप जी दे सहयोग नाल मेरे वालों तैयार किया एक मॉडल सरकार तक पहुंच सकता है। इस मॉडल का सरकार नूं भी फायदा होगा, सरकारी कर्मचारी नूं भी फायदा होगा, हर वर्ग नूं फायदा होगा, बेरोजगारी घटेगी, पूरे देश का फायदा होगा, तो सब तो वड्डी गल सरकार नूं पैसे भी वध खर्च नहीं करने पैणगे। इस वीडियो के अंत ते प्रश्नों के उत्तर भी दिते जाणगे। पूरी गल समझण लई वीडियो नूं पूरा देखो जी। मन लेंदे हां कि एक सरकारी कर्मचारी अज 1 लाख रुपया प्रति महीना तनखा लेंदा है। सरकार उसनों एक ऑफर दिंदी है कि ओह रिटायरमेंट ले लवे अते अपने पुत्र नूं सरकारी नौकरी ते लगवा लवे, पर उसदे पुत्र नूं नौकरी उसकी क्वालिफिकेशन तो 1 रैंक घट वाली मिलेगी अते उसनों 3 साल 15,000 रुपए प्रति महीना तनखा मिलेगी। उस तो बाद उसकी तनखा सरकार द्वारा बनाए नवे नियमों अनुसार हौली हौली वधेगी। हर व्यक्ति अपने बच्चों लई सब कुछ करता है, वह कर्मचारी ये ऑफर स्वीकार कर लवेगा। बिना ऑफर आपा किसी कर्मचारी नूं जबरी रिटायर नहीं कर सकते। हुण होवेगा कि सरकार उस एक कर्मचारी नूं 1 लाख रुपया प्रति माह दे रही सी, रिटायरमेंट तो बाद सिर्फ 40,000 रुपए प्रति माह देने पैणगे। इस तरह हर महीने सरकार कोल बचत होई 60,000 रुपए। सरकारी कर्मचारी दे बच्चे नूं नौकरी देन ते होया खर्च 15,000 रुपया कटाउण तो बाद बाकी बचे 45,000 रुपए। इस तरह सरकार 3 होर नौजवानों नूं नौकरी दे सकेगी जो किसी भी वर्ग विचों हो सकते हैं। इस तरह बिना होर पैसा खर्च कीत्यां 4 नौजवानों नूं रुजगार मिल गया। आत्महत्यावां घट जाणगियां, क्राइम घट जाएगा, पढ़ाई का सकारात्मक माहौल बनेगा। एक गल सुन के कई सवाल उभरे होणगे, मेरे द्वारा संभावित प्रश्नों के उत्तर दिते जा रहे हैं, पर जेकर कोई सवाल रह जाए तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। पहला प्रश्न, इस मॉडल राही तो सरकारी नौकरी करने वाले दे बच्चे नूं सदा नौकरी मिलती रहेगी, इस तरह क्यों? उत्तर, पहली गल सरकारी नौकरी करने वाला अपने जीवन का सब तो वधिया समा जवानी का समा सरकार की खिदमत विच लगा दिंदा है। वो हर हुक्म मनदा है। फौज विच नौकरी करने वाले कर्मचारी कई बार अपनी जान तक गवा बैठते हैं। पुलिस महकमे, बिजली महकमे, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी भी अनेक बार सट्टा खाते हैं, तो कई बार कुछ कर्मचारी जीवन भर लई नकारा हो जाते हैं, कुछ अपनी जान भी गवा बैठते हैं। इस तरह होर भी महकमे हैं जिन्हां दे कर्मचारी खतरों का सामना करते हैं सरकारी नौकरी करते वक्त। अज कोरोना की महामारी विच कौन काम आ रहा है? सिर्फ सरकारी कर्मचारी? अज डाक्टर, नर्सा, अध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी अपनिया जाना जोखम विच पा के ना सिर्फ कोरोना नाल लड़ रहे हैं बल्कि दूजियां नूं कोरोना तो बचाउण लई अहम भूमिका निभा रहे हैं। दुकानदार दे बच्चे नूं दुकान, जिमीदार दे बच्चे नूं जमीन, फैक्टरी दे मालक दे बच्चे नूं फैक्टरी मिल जाएगी। उन्हां दे बच्चियां दा भविख सुरक्षित है। सरकारी नौकरी करन वाले दे बच्चे नूं
जीरो तो शुरू करना पैंदा है। कि ए बेइंसाफी नहीं? जरा सोचो, जेकर इस तरह होवे कि जदों दुकानदार 58 साल दा होवे तां ओह रिटायर हो जावे ते दुकान सरकार संभाल लवे ते दुकानदार दा बच्चा फिर तो जीरो तो शुरू करे। अजीब लग्या ना, औखा लग्या ना। दुकानदार दे पुत्र नूं दुकान इस करके मिल जांदी है क्योंकि दुकान उसदे पिता दी है। बस इसे तरह सरकारी नौकरी करने वाले दे बच्चे नूं सरकारी नौकरी मिल जावेगी क्योंकि सरकारी नौकरी उसदे पिता दी है। जरा सोचो, सरकारी कर्मचारी दे बच्चे दे नाल नाल हर वर्ग दे नौजवानां नूं भी तां नौकरी मिलेगी। इस तरह तां सरकारी कर्मचारी पुन दा कम करेगा। दूजा प्रश्न, कि हर कैटागरी दे व्यक्ति नूं फायदा होवेगा? उत्तर, हां जी, हर कैटागरी दे व्यक्ति नूं फायदा होवेगा। तीजा प्रश्न, कि हर सरकारी कर्मचारी लई इह जरूरी होवेगा? उत्तर, जी नहीं, इह इक ऑफर होवेगी, इह ऑप्शनल होवेगा। चौथा प्रश्न, कि हर सरकारी कर्मचारी नूं फायदा होवेगा? उत्तर, जी हां, हर महकमे दे हर कर्मचारी नूं फायदा होवेगा। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਮ ਏ ਬੀ ਐਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਈ ਟੀ ਟੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉੱਤਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ? ਉੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨਾਲ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਾਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ। YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ तो जदों वीडियो चलेगी साढ़े कोल कुछ ऑप्शनस आणगियां तो साढ़े कोल ऑप्शनस आ गईयां इत्थे जिथे फोटो लगी है हेठा दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा होया है इहदे नाल आ सबसक्राइब का बटन है तुसी सबसक्राइब का बटन नप लेना इस नूं ते तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस आणगियां जदों इस नूं आपां नपांगे तो तीन ऑप्शनस आणगियां उहदे उपर लिखा होया ऑल तो ऑल दी ऑप्शन जिहड़ी है वह तुसी जरूर प्रेस कर देनी है ताकि तुहानू हर नवी वीडियो का सुनेहा लग जाया करे सबसक्राइब करन लई ते वीडियोज़ शेयर करन लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।